हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। आज हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये मेरे पूजा का घर है। देखिए, इस तरह के से मैंने पूजा घर सजाई है, बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, ये मेरे दुर्गा माँ का यहाँ फोटो है। ये देखिए, बजरंगबली का है, ये लक्ष्मी माता का है, ये विष्णु भगवान का है, देखिए गणेश जी का है। इस तरह से मैंने आपको दिखा रही है गाइस अपना वीडियो में। ये देखिए, मैंने आज आपको बहुत ही अच्छा मौके पर मैंने दिखा रही है गाइस ये वीडियो, क्योंकि आज बहुत ही महत्व और बहुत ही बड़ा पर्व है, क्योंकि मनसा माँ का पर्व है, मनसा माँ का पूजा है। आज पाठाबली भी होती है मेरे घर में गाइस। देखिए, ये आइए, आपको फिर मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी तरीके से। ये देखो गाइस, मेरी मनसा माता है। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अद्भुत माता है, बहुत ही बढ़िया माता है। ये देखिए, मैंने इस तरह से आपको दिखा रही हूँ मनसा माँ का मेरे घर में पूजा हुई है गाइस। मैं तो इस बार उपवास नहीं रख पाई किसी वजह से, लेकिन मेरी माँ सासू माँ ने देखिए पूजा की है बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिए, इस तरह से धूप गंध जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, ये देखिए इसमें दूध है, लावा है। देखिए गाइस, ये लावा है और ये बताशा है। देखिए इस तरह से आज मनसा माँ का लावा और बताशा, देखिए इस तरह से ये ब्लैक वाला बताशा है, क्योंकि इससे पूजा होती है मनसा माँ का। देखिए, मैंने इस तरह से आपको दिखा रही है गाइस, ये यहाँ पूजा हुई है मेरे घर में बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस। इनका शक्ति भक्ति बहुत ही महत्व है गाइस। आज के दिन मनसा माँ बहुत ही शक्तिशाली है। ये मेरे घर में देखिए इस तरह से पूजे हुए हैं। बच्चे लोग बहुत खुश हो रहे हैं गाइस, और मैं भी बहुत खुश हूँ माता रानी को देखकर। ये माता रानी सबको बेड़ा पार करती है, और जो मांगो माता रानी से वो सबकी मुरादें पूरी करती है माँ रानी। देखिए ये गाइस, मेरे मनसा माँ का फोटो है। मैंने फोटो पर ही रख के अपना घर में पूजा की है। आप लोग भी करो गाइस, बहुत ही शक्तिशाली। आप लोग भी जो मांगोगे सो मिलेगा, मनसा माँ में अद्भुत शक्ति है। और मैंने भी मांगा है गाइस बहुत बार, लेकिन माँ मैंने सारा इच्छा पूरा की है। भगवान, आप भी करो गाइस, आपको भी पूर्ण जरूर होगी ये पूजा करने से। और आज के दिन मैंने उपवास, मेरी सास ने सुबह से उपवास की, पानी तक भी नहीं पी है, और देखिए इस तरह से पूजे किए हैं, क्योंकि सुबह से उपवास ही रहने में शाम में पूजा होता है माता रानी का। तो शाम में पूजा करने के बाद भी आप शरबत वगैरह ले सकते हो, मिठाई वगैरह ले सकते हो गाइस। मैंने देखिए इस तरह से दूध, लावा, बताशा, सब चीज़, हर चीज़ मैंने चढ़ाई है, भगवान को भोग लगाई है अच्छी तरह से। भगवान का दूध बताशा प्रिय है, और ये ही माता रानी को चढ़ती है, नाग देवता है, इसको पीते हैं। आप भी इसको देखिए, दीजिए, आपको भी पी लेंगे नाग देवता दूध को सारा। देखिए, मैंने इस तरह से रखकर मनसा माँ के पास रखी है गाय, और ये पूजा का बहुत ही महत्व है। सुबह से उपवास रखकर पूजा होती है, शाम के समय बहुत सारे लोग करते हैं, ये सब आदिवासी लोग भी बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं गाय। देखिए, ये मैंने इस तरह से आपको दिखाई है लावा और बताशा, तो आपने देखकर भी बता सकते हो। मैंने इस तरह से अलग ढंग से बैठाई है एक चौकी में, और पूजा मैंने नियम पूर्वक यथा तथा शक्ति की आराधना करके मैंने पूजा की है गाइस। देखिए, आप भी करो पूजा, बहुत ही महत्व है। देखिए, मेरा ये छोटा सा मंदिर है, मैंने अपने घर में बनाई है। ये मंदिर को मैंने हर दिन पूजा करती हूँ, इस तरह से मैंने सजा कर रखी हूँ। ये मेरी काली माता का फोटो है, बहुत ही बढ़िया माता है। इनको जो देखेंगे सबका श्रद्धा पूरी हो जाएगी, भक्ति शक्ति सब भगवान आपको पूरा कर देंगे माता रानी। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आएगा तो आप भी मनसा पूजा जरूर मनाएं। आज का दिन ये तो सावन का 17 तारीख का ही डेट में पूजा होती है, 17 तारीख का ही इनका डेट है। तो मैंने 17 ही तारीख को उपवास रखी है, 16 को नहाए खाए होता है, और 17 को उपवास होता है, और 18 तारीख को पारण वगैरह हम लोग करते हैं। इसलिए मैंने भी इस व्रत को मानते आए हैं, आप भी मानिए, बहुत ही बढ़िया है गाइज। तो मैंने यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता रानी आपको बेड़ा पार जरूर करेंगे गाइज। बाय बाय।